A wholesaler supplies 30 stuffed dolls each week day to various shops. कहते जो होलसेलर है वो 30 स्टफ्ड डोल्स जो है वो सप्लाई कर रहा है हर हफ्ते अलग अलग शॉप्स को, और डोल्स जो है परचेज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर द्वारा, वो लॉट्स में परचेज कर रहे हैं, मतलब एक साथ परचेज कर रहे हैं, 1200 रुपये पे 120 डोल्स जो है वो परचेज कर रहे हैं। हर ऑर्डर पे हैंडलिंग चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे हैं। मल्टीपल एंड फ्रैक्शन लॉट्स कैन आल्सो बी ऑर्डर्ड एंड ऑल ऑर्डर्स फिल्ड नेक्स्ट डे। फिर आगे जो ओवर ऑर्डर आते हैं वो नेक्स्ट डे फिल किए जाते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो ₹0.60 पर ईयर के हिसाब से लग रही है, और इन्वेस्टमेंट पे इसको लग रहा है 2% मंथली फॉर बोरोड फंड। तो वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी डोज शुड बी ऑर्डर्ड, कितनी डोज ऑर्डर करेगा एट ए टाइम, और हाउ फ्रिक्वेंटली शुड ही ऑर्डर, कितनी तेज़ी के साथ ऑर्डर करेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, √2C/i। तो C हमारे पास है 7500, ये कैसे आया, तो 250 ऑर्डर उसने किए, पर ऑर्डर जो थे उसके ऊपर ₹250 लग रहा है, और 250 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो होल सेल है वो 30 सप्लाई कर रहा है डोल्स, तो 250 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब हम ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके ऊपर हैंडलिंग चार्जेस और फ्राइट चार्जेस भी लग रहे हैं, उन दोनों को प्लस करेंगे 310 यहाँ पे आ जाएगा। इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 24% उन्होंने कहा है इसका 10 का, और 0.60 जो है आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट गिवन दी हुई है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको गिवन है 0.60, और इसको सोल्व करेंगे तो ₹3 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट जो लग रहा है इन्वेस्टमेंट में वो 24% लग रहा है, और जो उसके ऊपर रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो ₹10 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो 1245 डोज आ जाएंगे, और ये हमारे पास जो कॉस्ट पर डोल आई है वो ये जो 10 आया ये कहाँ से आया था, कॉस्ट पर डोल हमने कैलकुलेट की थी, कॉस्ट पर लॉट कितना था ₹1200, लॉट 120 डोल्स उसने खरीदी 1200 रुपये में, और नंबर ऑफ डोल्स पर लॉट थी 120, तो डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, उसके बेसिस पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक साल का कितना बना, जो 7500 कंजम्पशन है उसको डिवाइड कर देंगे 1245 जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी के साथ है, तो टोटल 6 ऑर्डर हो गए, तो एक साल में 6 ऑर्डर के साथ डिवाइड कर दो तो 2 मंथ में 1 ऑर्डर होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है ऑर्डर्स को कैलकुलेट करने की।